डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान द्वारा दवाओं व नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर अनाप शनाप बिल बनाने के विरोध में उठाए हुए झंडे के नीचे आम आदमी पार्टी के साथी आज भारतीय किसान यूनियन भी आ गए। जिलाधिकारी ऑफिस के बाहर सपा विधायक ने धरना दिया। उनके धरने में पार्टी के साथी आप व भाजयू कार्यकर्ता भी शामिल हो गए। यह धरना न्यूट्रिमा हॉस्पिटल की तरफ से सपा विधायक समेत तीमारदारों आदि के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे के खिलाफ किया गया। IMM में चिकित्सक एक और हैं, वहीं जनमानस से जुड़े इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी व भाजयू का मैदान में आना यह संकेत देने के लिए काफी है कि यह विवाद अभी फिलहाल खत्म होने नहीं जा रहा है। यह भी तय है कि न्यूट्रिमा विवाद ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्ष को एक मजबूत आधार दे दिया है। IMM ने भले ही दवा व इलाज के नाम पर अनाप शनाप बिल बनाए जाने से इनकार किया हो, लेकिन जनमानस इसे लेकर जिस परेशानी से जूझ रहा है और जो आम धारणा बन गई है वह निश्चित रूप से एक मुद्दा व समस्या है, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। दरअसल क्षेत्र के एक मरीज के मामले में न्यूट्रिमा अस्पताल पहुंचे सपा विधायक अतुल प्रधान ने अनाप शनाप बिल बनाने व दवाइयां हॉस्पिटल के भीतर से ही खरीदने के लिए दवा बनाने का मुद्दा उठाया था। इस पर न्यूट्रिमा हॉस्पिटल की तरफ से सपा विधायक अतुल प्रधान, बच्चे के पिता जितेंद्र, चाचा व दादा समेत 30-40 समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। रिपोर्ट में विधायक पर डॉक्टर संदीप गर्ग, IMM सचिव डॉक्टर तरुण गोयल, डॉक्टर विजय सिंह व डॉक्टर आशु मित्तल व कई अन्य चिकित्सकों से गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए हैं। आज जिलाधिकारी ऑफिस के बाहर समर्थकों समेत धरना देते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान ने यह कहा। हमने अमर अनशन जैसी बात इसलिए रखी, देखिए जो इश्यू है उस अस्पताल के, अगर किसी में थोड़ी सी भी गहरत होगी MDI उसके अधिकारियों में, प्राधिकरण के अधिकारियों में, तो मैं कहता हूं कि कल को आग लग जाएगा न्यूट्रिमा में। बेसमेंट में वो इलाज कर रहे हैं, बेसमेंट में नीचे की तरफ इलाज चल रहा, अपर लोअर बेसमेंट में भी, अपर बेसमेंट में भी, अगर कल को आग भगवान ना लगे लग जाए, मौत हो जाए वहां पे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 100 बेड का अस्पताल चला रहे, 20 का नक्शा पास है, पहले दिन से ही चोरी है उनकी, चोरी और सिन्ना चोरी। हम सीधा सीधा एक बात कहना चाहते हैं वरिष्ठ अधिकारी यहां पे खड़े, भाई चाहे आप 8 डिसीजन ले लो जेल भेजने का, हम बिल्कुल रत्ती भर भी इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आप न्याय की जगह पे हैं, आपको न्याय करना चाहिए। अगर किसी ने एप्लीकेशन किसी आम आदमी के खिलाफ भी दी, आम आदमी के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी, तो कम से कम ये तो जांच लो कि भाई हम किस चीज की एप्लीकेशन ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनके परिजनों के भी और एक मौजूदा विधायक के, आपने एप्लीकेशन दी और आपने, हम कानून का पालन कर रहे हैं, तो बाउंसर क्या कर रहे हैं वहां, वो लोगों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? वहां जो भी जाता है उसके गेल कोनी लगा देंगे, हम कहां जाए? पर ये लोग जो झूठे और गलत तरीके की बयानबाजी करते हैं, कल पूरी मीडिया में देखो आप उन्होंने क्या बोला। देखो मैं आपको एक चीज SP साहब को चेतावनी देके नहीं कह रहा, लेकिन मैं चूंकि मैं इस व्यवस्था में हूँ जिसमें आप हैं, भाई मैं विधायक हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो। सही बात है गलत है? और मैं रत्ती भर भी ये चीज नहीं चाहता, मेरा कोई धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट रहता तो हम कोशिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े शांतिपूर्वक। आज तो हमने बोला था कि भाई अनशन की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आप हमें समय बता दो कि भाई इसका निस्तारण हम तब तक कर रहे हैं, और निस्तारण का बता दो कि कब तक हो जाएगा। हम लोग त्योहार खत्म होते ही यहाँ पे, ईश्वर ने ऊपर वाले ने हमें इतना दे रखा है कि हम सब जगह भर देंगे। जो ये अमर अनशन चलेगा तो ये मैं बैठूंगा परमानेंट यहाँ। जो भाषा वो बोल रहे हैं
आईएमए के गोयल थे सचिव वहां पे, तो मैंने कहा कि जो आप अगर डॉक्टर हैं तो आप ऐसी भाषा अगर बोल रहे हैं तो आपको ये इसको जो है ये शोभा नहीं देती। मालिया इसी तरह की भाषा हमारा व्यक्ति बोल के मालिया आपके साथ कुछ कर दे तो कहेंगे भी इन्होंने तो गुंडे की, और तुम अगर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हें क्या बोले भाई। और हम पत्रकार साथियों से स्पष्ट कहते हैं हमारा द्वेष और झगड़ा उनसे कोई उनकी प्रॉपर्टी बढ़ने का नहीं है, वो अपनी कितनी प्रॉपर्टी बढ़ाए वो कुछ काम करे, लेकिन जनता को परेशान करके अगर लोगों को परेशान करके वो पैसा कमा रहे हैं तो उनका जमीर उस बात को गवाही देता होगा। हमारा जमीर उस बात की गवाही भी नहीं देता और हम उसको करने भी नहीं देंगे। वही सपा नेत्री नेहा गौर, जिनकी माता का इलाज हाल ही में न्यूट्रल अस्पताल में हुआ है, ने यह कहा। देखिए मेरी मदर एक महीना पहले एडमिट थी, 27 सितंबर हम लोगों ने इमरजेंसी में एडमिट किया और इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी उस टाइम पर जिस टाइम हम लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर संदीप गर्ग द्वारा उन्हें एडमिट किया गया इमरजेंसी में लास्ट रात को 8 बजे एमआईसीयू में, हमारे बिना किसी कंसर्न के उनको एमआईसीयू में डाल दिया जाता है। उसके बाद 40,000 की दवाइयां जो हमने मेडिकल स्टोर से अभी बिल भी दिए परसों, और हम लोग सीएमओ साहब के साथ ही गए थे, उसके बाद जो वहां पर लोगों का कहना था, संदीप गर्ग जी खुद हमें मीडिया के सामने धमकी दे रहे थे, शायद मेरे ख्याल से मीडिया वाले यहाँ पर होंगे वो भी, और ये बदतमीजी नीतू भाई बैठे हैं, नीतू भाई भी बता देंगे कि उन लोगों ने कितनी हम लोग के साथ अभद्रता की। वहां पे कहर सिंह है, उन लोगों ने जब हमें ये कहा अगले दिन कि 2 बजे हमारी मदर को यहाँ से डिस्चार्ज कर दो या तो आप हमें बता दीजिए, तो उनका ये कहना था कि हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। किस हॉस्पिटल में आप मुझे बता दीजिए 28 घंटे में 2,60,000 का बिल हो जाता है, कोई है ऐसा हॉस्पिटल? कोई है ऐसा हॉस्पिटल? और उसमें आपको धमकी दी जाती है लगातार, और उस टाइम तो विधायक जी मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेली थी। मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो अड्डे बने हुए हैं ये सिर्फ हथियारों के अड्डे बने हुए हैं, और संदीप गर्ग जी की ये कहना था तो बिगाड़ हमारा क्या बिगाड़ोगे, ये परसों का ही कहना है, सीएमओ साहब के सामने कहा है उन्होंने जी। और अगर उनके ये गुंडे बदमाश अगर ये सोचते हैं, अगर ये लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी गुंडागर्दी चलाएंगे तो गुंडागर्दी चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ एक जनप्रतिनिधि आप लोगों के लिए खड़ा हुआ है और ये सब मानवता के लिए आवाज उठा रहे हैं, और ये मुकदमे उल्टे उनके ऊपर होने चाहिए, संदीप गर्ग के ऊपर होने चाहिए, कैर सिंह के ऊपर होना चाहिए, जिन्होंने पिस्टल दिखा के लगातार हम लोग को डराते हैं इस चीज के लिए कि हम अपने मरीज को लेकर भी नहीं जा सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ लिखा हुआ है इस चीज में? मौके पर मौजूद पुलिस क्षेत्र अधिकारी अरविंद चौरसिया ने आश्वासन दिया कि 3 दिन के भीतर ही सभी साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर दी जाए, कि कहीं भी इसमें द्वेषपूर्ण भावना से कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। जो भी फुटेज है, विधायक जी ने भी आपके सामने सारी बातें खोल के रखी और मुझे भी अवगत कराया था उस दिन भी, तो जो भी फुटेज है इनके आने से लेकर के जाने तक वो पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है वहाँ पर उस कैमरे के साथ, कुछ सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुए थे हमारे समाचार चैनल के माध्यमों से, वो सब भी हम लोगों के पास सुरक्षित पूरी तरह से उन सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए इसमें अंतिम निर्णय लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए जल्दी इसका निस्तारण हम करा देंगे। बहुत ज्यादा इसके लिए हम मैक्सिमम 2 से 3 दिन लेंगे, इसके लिए हम आप सबसे चाहते हैं कि 2 से 3 दिन हमारा सहयोग करें, बस इससे ज्यादा हम नहीं चाहते। इससे पूर्व अतुल प्रधान ने कहा था कि जनमानस से जुड़ी इस समस्या को वह उठाते रहेंगे, यदि 3 दिन में इसका निस्तारण न हुआ तो वह भारी तादाद में आकर डीएम ऑफिस पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर फिलहाल धरना 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।